PSSM से जुड़ने के बाद सबसे पहले मेरे मतलब मुझे पहले काफ़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मैं 4-5 महीने में हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, तो वो चीज़ मेरी आज की तारीख में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरी, हमारे परिवार की फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। नमस्ते, मैं अजयश्री चौक से भोपाल से आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरी जो ध्यान की यात्रा है, कहना चाहिए बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब मैं 5वीं क्लास में थी, तब एक पुस्तक थी हमारे साथ, एक हिंदी की और एक सप्लीमेंट्री पुस्तक होती थी, तो उसमें एक गौतम बुद्ध का इनका एक चैप्टर था, उसमें लास्ट लाइन ये थी कि उनको ना सत्य की प्राप्ति हो गई। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा से उस समय से रह गया कि ये सत्य है क्या जिसकी उन्हें प्राप्ति हो गई, और उसके बाद वो चैप्टर ही ख़त्म हो गया था, उसके आगे कुछ भी नहीं। मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला इस बारे में। फिर धीरे धीरे करके वह मैं भूल गई, लेकिन कभी कभी बैठती थी तो ये याद आता था कि लास्ट लाइन ये थी कि सत्य की उनको प्राप्ति हुई। आखिर मुझे ये जानना है कि ये सत्य क्या है। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, और उसके बाद शादी के बाद, जब मैं शादी के बाद मैं आई तो होशंगाबाद में जॉइंट फैमिली में थी, उसके बाद मैं न्यूक्लियर फैमिली में इटारसी गई, तो वहाँ पर फिर मुझे ये चीज़ें ज़्यादा क्लिक करने लगीं कि नहीं, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। और ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ फिर भोपाल शिफ्ट की, फिर मुझे यहाँ पता चला कि सहज योग करके एक संस्था है, मेरी फ्रेंड ने बताया, तो मैं उसको ज्वाइन करी। मैंने जब उसका ध्यान किया तो पहले ही दिन ऐसा लगा जैसे माँ मुझे फ़ोटो से बुला रही हैं और ये कह रही हैं कि बेटा अब तुमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है। और मन से भी यही आवाज़ आई कि मैं जो अभी तक ढूंढ रही थी बचपन से, वह चीज़ मुझे यहाँ पर मिली। उसके बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं आखिर मानूँ तो आपको क्यों मानूँ, आप मुझे कुछ चीज़ें बताइए, कुछ दिखाइए, कुछ करिए जिससे मेरा विश्वास आपके ऊपर जमे। तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें ऐसे बताईं, तो मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और मैं निरंतर सहज योग से जुड़ी। उसके कुछ सालों बाद मेरी नंदे आईं, उलोंग शिव योगी थी, तो उलोंग बाबा जी का, अवधूत शिवानंद जी का, उन लोग पाठ करती थी, सप्तशती का पाठ करती थी, उसके जो बीज मंत्रों पर बोलती थी ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। जब वो लोग पढ़ते थे तो मैं सहयोगी थी इसलिए मैं बैठती नहीं थी उनके साथ, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि उनके जाने के बाद नेक्स्ट टाइम आई तो मैं मतलब वो पढ़ने ही लगी उनके साथ बैठ के। वो कब कैसे बैठी है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया और वो इतना भाया मन को कि इतना अच्छा लगने लगा, भावनाएँ मतलब बहुत अच्छी होने लगी। और है तो सब चीज़ एक ही, भले ही सहज योग ले लो, शिव योग ले लो या PSSM ले लो, है तो चीज़ें एक ही, बस थोड़ा सा रास्ता भर अलग है। चीज़ें तो सब एक ही हैं, सब एक ही प्रकार की चीज़ें बताते हैं। और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें लग के रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे कभी अड़चन नहीं हुई। उल्टा जिस भी दिन मैं ध्यान ना करूँ, उस दिन मेरे को ऐसा लगता है बहुत छूट गया कुछ चीज़, कोई चीज़ मैं अधूरी रह गई, आज काम मेरा अधूरा रह गया है। ऐसे करके मैं शिव योग के बाद मैं जब ये लॉकडाउन की स्थिति में, 1 साल हो गया मेरे को PSSM से जुड़े हुए, उस समय मेरे दीदी का बेटा, उसने मुझे मैसेज किया कि मौसी ये ऐसा है, आप लिंक भेजी उसने और आप ये ध्यान करके देखो। मैं ध्यान करी तो उसमें एक जगह नाम लिया था, गौतम बुद्ध का नाम लिया गया था, तो एकदम से मेरे को बचपन की वो बात याद आई कि अच्छा ये तो ये वाला ध्यान है, गौतम बुद्ध वाला। और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू करना शुरू किया, तो शुरू में मुझे मिला सेत विजडम का, मैंने शुरुआत वहाँ से की। उसके पहले मैं 1.5 महीने ये कर चुकी थी, ध्यान आनापाना सती ध्यान मैं कर चुकी थी, फिर मैंने ये सेत विजडम ज्वाइन किया। तो उस समय
काफ़ी कुछ अनुभूति हुई मेरे को, और ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ चीज़ें अलग हटके हैं और मन और भी शांत रहने लगा। BSSM से जुड़ने के बाद सबसे पहले मेरे मतलब मुझे पहले काफ़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मैं 4-5 महीने में हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, तो वो चीज़ मेरी आज की तारीख में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरे हमारे परिवार की फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, और साथ ही मतलब मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो ये काफ़ी परिवर्तन आए हैं जीवन में। उसके बाद मैं जैसे जैसे ये ध्यान साधना करती रही, इससे मतलब मेरे फिजिक रूप में जो परिवर्तन आया वो मेरी फ्रेंड लोगों ने मुझे बताया कि नहीं आप एक अलग ही, जैसे अपन बोलते हैं ना कि पार्लर से आ रहे हो, तो मैं तो खैर पार्लर जाती नहीं हूँ, तो ये बात भी उन्होंने मेंशन की। दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ सीनियर मास्टर आए थे तो उसके प्रचार प्रसार के लिए जब मैं यहाँ पर मिली लोगों से प्रचार प्रसार करी, तो उस समय जो मेरे अंदर जो झिझक होती थी वह भी एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव रहा, काफ़ी लोगों से मेरे को जानकारी मिली। एक जो लेडी में मुझे मिली सुबह सुबह, वो अपने नाती को छोड़ रही थी, बस स्टॉप पे बैठी थी, तो मैंने उनसे जाकर पूछा, जाके बताया कि ये मतलब ध्यान का प्रचार प्रसार है, तो वो इतनी मतलब बिजी, मतलब इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं अगर एक शब्द बोलूँ तो वो 10 शब्द बोल रही थी, ऐसा था। तो मैंने उनको बहुत सारा एनर्जी भेजी, बहुत लव भेजा, और बोली कि मैं अपना, जबकि 70+ थी वो, लेकिन वो ये कह रही थी कि मेरे पास बिल्कुल 5 मिनट का भी टाइम नहीं हो सब टाइम नहीं है, मैं कैसे आऊँगी वहाँ पर, इस टाइप की जब वो बात कर रही थी, तो उनको मैंने बहुत सारी एनर्जी भेजी थी। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए और बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। शिविर करने के बाद तो मज़ा आ गया। इसके बाद कुछ दिन पहले ही मुझे हार्दिक ने बताया कि पत्री जी आज चले गए हैं शाम को 5 बजे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से हट गया है। ध्यान साधना की, लेकिन कुछ अलग अनुभूति हो रही थी और बहुत ना अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा। इस तरीके से मेरी ध्यान साधना रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जुड़ें इस ध्यान साधना से। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।